हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. सो टुडे वी आर लर्निंग बीजीसी 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा ब्लॉक वन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. हमने एनिमल राइट्स पढ़ लिया, ह्यूमन राइट्स भी पढ़ लिया, यूनिट 3 भी हो गया, यूनिट 4 भी हो गया. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लो, और अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे मिल जाएंगे एक साथ ही. ओके, हम इसके नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं. ये रहे यूनिट 2, नहीं ब्लॉक 2 सॉरी, जिसका हम पढ़ेंगे यूनिट 1, प्लानिंग अ हॉलीडे. ये इंट्रोडक्शन है पूरा यूनिट ब्लॉक का. सो हियर इट इज, प्लानिंग अ हॉलीडे. ये स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या होगा चैप्टर में. ये वार्म अप है. हॉलीडेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर मेंटल हेल्थ. हॉलीडेज एंड मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट टुडे. वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम आर डेली रूटीन एंड अनवाइंड फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ नॉर्मल लाइफ. ओके, ये पूरा उसका वार्म अप है कि हमें स्ट्रेस, हमें हॉलीडे लेना चाहिए नॉर्म, ये लिखा है उसमें. एंड इट इज रीडिंग कम्बिनेशन लगेज थ्रू द डेकेड. ये ट्रैवल विद स्टाइल. द अर्ली 1940s saw people sitting on a journey carrying their possessions of overseas steel or brass trunks and wooden crates. मतलब पहले हम देखते थे 1940s के टाइम में लोग ऐसे ऐसे बॉक्सेस, ट्रंक, ब्रास ट्रंक और वुडन क्रेट्स लेके ऐसे ट्रैवल करते थे. बट जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी वो, लेकिन दोज डेज द क्वीन मैन एंड द रॉयल साहिब्स वो प्राउड ओनर्स ऑफ सोफेस्टिकेटेड लगेज केसेस. इंडिपेंडेंट इंडिया लाइट हैड एसेस टू फॉरेन गुड्स ऑन देयर ट्रैवल केसेस. वो एन एरिस्टोक्रेटिक लुक. ओके, ये वही लिखा है. पहले हम ऐसे ट्रैवल करते थे, जैसे जैसे न्यू जनरेशन आई, वी टुक लाइक दिस टाइप ऑफ बैग्स, है ना, डफल्स, बैकपैक्स, अपराइट रोलर कैरी वंस. देन हम ये भी लेना, अभी पैकेजिंग ट्यूब्स, है ना, कन्वर्टेबल पैकेजिंग ट्यूब्स, गारमेंट बैग, जिसमें हम अपने कोट पैंट रखते हैं, एग्जीक्यूटिव बैग ऑफिस जो लेके जाते हैं. तो वही लिखा है, पहले ऐसा था. अभी चेकअप कर गए, वॉट सॉर्ट ऑफ बैग्स अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वर अवेलेबल टू द एवरेज इंडियन इन द पास्ट, एंड वॉट काइंड आर पॉपुलर टूडे फॉर द राइड यूजिंग मैनी ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल. 1940s में ओवरसीज लेते थे, 1950s में थोड़े बॉक्सेस, हार्ड बॉक्सेस लाइक लेते थे, हार्डबोर्ड बॉक्सेस लाइक टाइप. टुडे हम लेते हैं बैकपैक्स, डफल्स एंड ऑल. ठीक है, अब है व्हाट वर्ड्स वुड गो टुगेदर, थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव्स, एलिगेंट, शीक, स्टाइलिश, ओके, ब्रिटल, स्ट्रॉन्ग, मतलब और कैसे इसके थ्रू जाते हैं. ये है, लुक एट द पैराग्राफ 4, वेयर ऑल द कलर्स आर डिस्क्राइब्ड, ऑर्डर द कलर्स अकॉर्डिंग टू द डार्केस्ट ऑन द साइड गोइंग टू लाइट ऑन द अदर. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं. ओके, नेक्स्ट चेक इट प्लीज. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा क्वेश्चन आंसर पे. ये भी सब एक्टिविटीज़ हैं. मैच द फ्रेज कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी. ये मैच करना है गिव वे टू, इसकी मीनिंग क्या होगी. थ्रू ओपन टू द डोर्स, टू ओपन द डोर्स, इसकी मीनिंग क्या होगी. लार्ज पोर्शन समथिंग स्ट्रॉन्ग लेटर लाइकली टू ओपन अलाउ गो थ्रू ओपन द डोर्स की मीनिंग होगी टू अलाउ समथिंग न्यू टू स्टार्ट, है ना, ऐसे ही सब है. ओके, ये आइटम्स हैं उसी में, वो ये सब मैच करना है मीनिंग के साथ. सम वर्ड्स फ्रेज जनरली एसोसिएटेड विद वेरियस ऑफ ट्रैवल, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रैवल, जैसे प्लेन से ट्रैवल करते हैं, शिप से, ट्रेन से, कोच से, है ना, सब वही उसी बारे में. क्वेश्चन आंसर विच ऑफ Which of these places would you to prefer to stay at? Why? These are the places. What do you think is the best thing about each one of these places? ये places हैं यहाँ पे, तो उसी के बारे में लिखा है. Speaking. ये है excuse me, yes sir, how may I help you? Could you give me some information? Suddenly, sir, I wish to visit USA. ये पूरी एक डायलॉग स्पीच है, यहाँ पे सब पढ़ लो. ये क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आती है, ऐसे आपको बोल देंगे कि ये आपकी सिचुएशन, इस पर डायलॉग लिखो, तो एक बार पढ़ना आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे जो भी है वो
वो बोल रहा है एक्सक्यूज मी, ए ने बोला यस सर हाउ मे आई हेल्प यू, सो कुड यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन प्लीज, सडनली सर आई विश टू विजिट यू एस समटाइम्स इन मार्च दिस ईयर, कैन यू गिव मी सम फ्लाइट डिटेल्स। मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बोलते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे डेली लाइफ डायलॉग्स होते हैं ये सब, एक एक्टिविटी है ठीक है। देन अगेन ये कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग ऑन ऑफ एप्स, ये भी ऐसे भी एग्जाम्स में आते हैं, लाइक क्लाइंट वॉन्ट टू बुक इट इस ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता एंड बैक दीजिए डिपार्च टाइम ये रिटर्न, ये आप सब आपको क्लाइंट से कंप्लीट करना है, डैश में आई हेल्प यू, हाउ में आई हेल्प यू, गुड आफ्टरनून, ये जो भी है ट्रैवल एजेंट से दिल्ली में डेफिनेशन प्लीज, इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता बैक, ट्रैवल एजेंट ने कहा हाँ ये डिपार्चर टाइम ये है फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता दिसंबर 23, सिर्फ ऐसे फिल हो जाएगा ठीक। एंड देन ये एक अगेन एक्टिविटी वही चल रहा है, ये है फाइव फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू विजिट, ओके ये डिसाइड किया उन्होंने, ये रूम्स के बारे में मैसेज है, ये उन्हें एक बुकलेट मिला था तो उसका रिप्लाई देना चाहते हैं, वही सब है, ये एक लेटर लिखना है उसमें रिप्लाई लेटर, करेक्ट ऑर्डर लिखनी है इसकी, ए एनी एक्साइटिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन, अ न्यू ए आएगा यहाँ पे, अ न्यू एक्साइटिंग, यहाँ पे भी डेस्टिनेशन एक्साइटिंग, ये लिखना है ए एन में से कौन सा राइट है, ट्रैवल न्यू पे ठीक है। लेट सम अप पूरी यूनिट में क्या था, ये आंसर्स है जो सारे पीछे क्वेश्चन है उसी के आंसर्स है, आप एक बार देख लो, और अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूँगी, आप मुझे कमेंट में बता देना, आप अभी इसको नोट डाउन करो, जो पीछे सारे क्वेश्चन थे ना चेक अप प्रोग्रेस के वन उन सब के आंसर है, सब बुक के एंड में लिखे होते हैं, आपको भी अपनी बुक में से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हो, ओके ये सारे आंसर हैं, वीडियो रोक के पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं तो आप उसमें से पढ़ लेना अपनी बुक में से, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको अलग से दे दूँगी, जो भी पीछे सारे अभी क्वेश्चन पूछे थे वही आंसर है। ये लेटर है वहाँ पे जो पूछा, ओके एंड ऑल दैट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं ऐसे ही और भी चैप्टर्स की वीडियो लाऊंगी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।